हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं दोस्तों चैप्टर 2 इंग्लिश का लीस योर दोस्तों आपको समझाऊंगा। दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों इस स्टोरी मैंने इंग्लिश से हिंदी में दोस्तों कन्वर्ट कर रखा है दोस्तों, और पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों हिंदी में। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आज मैं दोस्तों आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बता दिया दोस्तों, और इसका PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी रही दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात रही दोस्तों, तो वो मैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों प्रोवाइड करा दूंगा। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के दोनों एक साथ दोस्तों मैंने स्टोरी सुना दी है, और आपको इसका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिकआउट लगा दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये स्टोरी के दोस्तों WH Davis हैं जो दोस्तों, इन्होंने कवि हैं जो दोस्तों ऑथर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये क्वेश्चन की बात रही दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी आपकी ख़त्म होती है, बहुत छोटी सी पोएम है दोस्तों। तो दोस्तों स्टोरी को दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ताकि आप आराम से इसको आंसर बना सके और अपने पेपर में दोस्तों अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, बस स्टोरी पे ध्यान देना, स्टोरी ध्यान से सुना दोस्तों, नेचर के प्रति है दोस्तों स्टोरी। दोस्तों हिंदी में पूरी कन्वर्ट कर रखी है, इसका PDF भी चाहिए होगा दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको स्टोरी से रिलेटेड डाउट होगा तो। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अब बाकी क्वेश्चन की बात रही तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, इंपॉर्टेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बाकी TMA और प्रैक्टिकल मैंने अपने चैनल में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ जाके आप TMA कर सकते हैं। TMA की लास्ट डेट बता दें दोस्तों 31 जुलाई दोस्तों 2023 लास्ट डेट है TMA सबमिट करने के। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा दोस्तों, बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अपडेटें और रहती हैं अनाउंस से रिलेटेड। और दोस्तों अगर आप TMA नहीं बना सकते तो पेड TMA भी मिलते हैं दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माई चैनल। दोस्तों देख सकते हैं हिंदी वर्जन है दोस्तों, मैंने आपको स्टोरी इंग्लिश में दिखा दी थी और उसका ये हिंदी वर्जन है दोस्तों। कन्वर्ट करके मैंने सारी स्टोरी हिंदी में कन्वर्ट करके आज मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि आप स्टोरी सुन के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए दोस्तों लीस ईयर का चैप्टर का दोस्तों, लीस ईयर जो चैप्टर 2 है इंग्लिश का, तो उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स आप खुद ही बना के आंसर लिख सके। स्टोरी अगर आपको पता है तो ओबियसली आप आराम से स्टोरी के हिसाब से आप आंसर बना सकते हो और अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये चैप्टर 2 है दोस्तों इंग्लिश का। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर दोस्तों WH Davis ने लिखा है दोस्तों इस कविता का। दोस्तों इस कविता में दोस्तों कवि प्रकृति की सुंदरता के प्रति आधुनिक व्यक्ति की विमूर्खता पर पीड़ा की भावना करता है। मनुष्य अपनी भौतिक भागदौड़ में इतना व्यस्त रहता है कि उसको पास फुर्सत का कोई समय नहीं है। दोस्तों इस कविता में दोस्तों जो है दोस्तों कवि हैं दोस्तों, उन्होंने दोस्तों बोला है कि प्रकृति की जो सुंदरता होती है दोस्तों, आधुनिक व्यक्ति जो होते हैं दोस्तों यानी शहरी लोग जो होते हैं, उनके पास ज़रा भी टाइम नहीं होता कि वो ज़रा सा भी 5 मिनट रुके और प्रकृति की सुंदरता को ज़रा भी देखे, उसको महसूस करे दोस्तों। ये दोस्तों इस कहानी में है दोस्तों पूरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कवि महसूस करता है कि इस तरह का जीवन बेकार है, चिंता और भागदौड़ का जीवन हमें कोई खुशी का प्रदान नहीं करता। दोस्तों जो इस तरह का जीवन होता है दोस्तों, जो किसी के पास दोस्तों शहर में दोस्तों किसी के पास टाइम नहीं होता किसी से मिलने का फिर दोस्तों से, तो दोस्तों जो कवि है उसने कहा है कि इस तरह का जीवन उनके लिए व्यर्थ है यानी बेकार है। और आगे में दोस्तों कवि देखता है कि आधुनिक व्यक्ति अपनी भागदौड़ में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, वह हर समय पैसे तथा दूसरे भौतिक चीज़ों के पीछे भागता रहता है। दोस्तों इसके अंदर कवि ने बताया कि दोस्तों आधुनिक व्यक्ति जो शहरी लोग होते हैं वो हमेशा भागदौड़ में लगे रहते हैं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व्यस्त ही रहते हैं, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे पर ध्यान देते हैं और पैसे कमाने के लिए दोस्तों वो हमेशा भागदौड़ में उसके पीछे लगे रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे उसके पास कोई फुर्सत ही नहीं है, उसके पास प्रकृति की सौंदर्य को देखने का समय भी नहीं होता। दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि उसके पास तो कोई टाइम भी नहीं होता कि वो जरा भी से भी रुके और प्रकृति की सौंदर्य को देखने का टाइम भी नहीं होता उनके पास, उनके पास पैसे कमाने के पीछे लगे रहते हैं, शहरी लोग की बात हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों कवि इस तरह के जीवन को घटिया जीवन कहता है, गहरी पीड़ा की भावना से उसे पूछता है। जो कवि है दोस्तों वो इस जीवन को दोस्तों घटिया बताते हैं, क्योंकि बहुत बेकार है और गहरी पीड़ा की भावना से वो पूछते हैं। चलो देखते हैं क्या पूछते हैं, यह जीवन भी क्या है दोस्तों, ये क्या जीवन है अगर चिंता से भरे हम और समय ही ना हो, फुर्सत में यूं ही खड़ा होना का क्या फ़ायदा। दोस्तों यानी दोस्तों ये इसमें बताया गया है कि दोस्तों यह जीवन ही क्या है, मतलब इसमें जीना ही क्या है दोस्तों, लाइफ ही क्या है दोस्तों, अगर इसमें हर वक्त चिंता हो, हर वक्त कोई समय ही ना हो, फुर्सत कहीं भी 1 मिनट का खड़े होने का ही टाइम ही ना हो दोस्तों, ये जीवन व्यर्थ है पूरा।
हमारे पास कोई समय नहीं है कि किसी छायादार पेड़ के नीचे खड़े होकर चढ़ती हुई गावें और भेड़ों को देखें। हमारे पास कोई समय नहीं है कि किसी जंगल की सुंदरता को देखें। दोस्तों इसके बताया कि हमारे पास कोई भी समय नहीं है कि हम जरा भी 5 मिनट रुके और कोई अच्छे से पेड़ के नीचे चढ़ती हुई किसी भी गाय या फिर किसी भी जानवर को या फिर प्रकृति की सुंदरता को ही देखें। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया कि हमारे पास ज़रा भी टाइम नहीं है कि किसी भी जंगल की सुंदरता को देखें या फिर किसी भी जानवर को देख के उसकी सुंदरता को देखें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आगे में दोस्तों, जब हमें इसके पास से गुजर रहे हो जब हम इसके पास से गुजर रहे हो हमारे पास निर्मल जलधाराओं और वाली नदियों को भी देखने का समय नहीं है। दोस्तों यानी हमारे पास दोस्तों जो निर्मल जलधारा वाली यानी बहुत अच्छी अच्छी जो नदियाँ ही रहती है, पवित्र नदियाँ होती हैं, उनको भी देखने का दोस्तों हमारे पास टाइम नहीं रहता ज़रा भी। और दोस्तों हमारे पास इतना समय भी नहीं होता कि हम घूम कर की सुंदर लड़की के चेहरे को देखें जो अपने नाचते हुए कदमों में हमारे करीब से गुजर रही हो। दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि हमारे पास कोई इतना टाइम भी नहीं होता कि दोस्तों हम किसी लड़की के चेहरे को देखें, सुंदरता को देखें उसके चेहरे को या फिर उसके नाचते हुए कदमों को हमारे करीब से गुजरते हुए देखें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमारे पास इतना समय भी नहीं है कि हम देखें कि आँखों से शुरू होकर मुस्कान किस तरह फैलकर उसके होठों तक पहुँच जाती है। दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि वो जो लड़की की जो आँखों से जब वो दोस्तों हंसती है तो उसकी हंसी फैलकर उसके होठों तक कैसे पहुंच जाती है, और हमारे पास ये भी टाइम नहीं है कि हम वो देखें और उन्हें और भी सुंदर बना देती है, उन्हें और भी सुंदर बना देती है दोस्तों हंसी को। और दोस्तों इस प्रकार कवि उस प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे देता है जो उसने कविता की पहली दो पंक्तियों में उठाया था। वह कहता है कि निम्न जीवन यह है कि अगर चिंता से भरे हो और समय ही ना हो या फुर्सत में खड़ा होने का। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। उसमें क्या है गया है दोस्तों कि दोस्तों ये बस इसके अंदर आपको स्टोरी में बस यही ध्यान देना है कि दोस्तों इसके अंदर बताया कि जो शहरी लोग होते हैं उनके पास ज़रा भी फुर्सत नहीं होता, ज़रा भी दोस्तों टाइम नहीं होता या फिर नेचर के प्रति या फिर किसी के भी दोस्तों अपने दोस्तों से मिलने का टाइम नहीं होता या फिर किसी से मिलने का टाइम नहीं होता। तो यही बताया गया, तो शहरी लोग दोस्तों कितने बिजी रहते हैं किसी से भी, घर वालों से भी, ज़रा से भी। आजकल सब दोस्तों अपने फ़ोन में इतने खो गए हैं कि अपने घर वालों से ही बात करने में उनको टाइम भी नहीं रहता दोस्तों, या फिर अपनी पर्सनल बातें भी करने का टाइम नहीं रहता, सिर्फ फ़ोन से ही कर दोस्तों वो अपना पूरा टाइम व्यर्थ करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी, स्टोरी पूरा एक्सप्लेनेशन हिंदी में किया दोस्तों मैंने। दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी नई चैप्टर के साथ, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसके आप अगले नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के साथ में ही डाल दूंगा दोस्तों, आप देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।